8-5 साल, यही भूपेंद्र हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 60,000 नौकरी दी और मनोहर लाल जी का 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। आज कमेंट को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, आज उनको पता है उनकी सरकार नहीं आएगी। आज उनको पता था केंद्र में तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, चाहे महिलाओं को 1 लाख कह दो, 2 लाख कह दो, 5 लाख कह दो, उसे फर्क तो को पड़ना नहीं। आज वो 8,500 रूपये दे के दिखाए तब पता लगेगा उनकी घोषणा, उसी तरह की घोषणा है। आज किसानों को 15,000 रूपये मुआवजा दे रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में कितना मुआवजा था? 5,000, और पेंशन कितनी थी? 750, जाते जाते 6 महीने पहले 1,000 करी थी, आज 3,000 है। ये जो है बहुत आसान है कुछ भी कह देना, लेकिन बहुत मुश्किल है करना। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और वो प्रत्यक्ष 10 साल का जो शासन है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, उसकी तुलना कर लीजिए। सीधी सी बात, भारतीय जनता पार्टी इस सब के बावजूद केवल 1% वोट कम हुआ है प्रदेश में, केवल 1%। और मेहमका जहां तक ताल्लुक है, मेरी 37,000 वोट आई, आज हम 41-42,000 पर है, हमारा वोट परसेंटेज घटा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले आदमी का मुंह बंद नहीं हुआ। आज जो बिच्छू बघेरे सांप नेवड़े बंदर शेर जो सब के सब इकट्ठे हो गए मोदी के तूफान को देखते हुए एक पेड़ पर, जब पूछा गया कि क्यों भाई कैसे चढ़ गए, नहीं बोले जान बचाने के लिए इकट्ठे हुए। आज ये जान बचाने के लिए जो गैप हो गया, क्या ये गैप विधानसभा में रहेगा क्या? कि विधानसभा में बिच्छू बघेरे नेवड़े सब अलग अलग दिशाओं में मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी वही मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देगी। हमारी कार्यशैली में, हमारे काम में, चुनाव में जो कमियां रही उसको और दुरुस्त करेंगे, पार्टी और मजबूती से लोगों के बीच में जाएगी और अगली बार हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा, अगली बार इस सीट को भी जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे डबल इंजन की। ऊपर मोदी जी बैठे हैं, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आज मैं ये आपको जो परिस्थितियां हैं वो देख के बता रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ज्योतिषी नहीं हूं मैं। आज जो परिस्थितियां प्रदेश की, तो अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है।